तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन जो होगा क्वेश्चन को देख के, ये लीनियर अपॉन 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म है। और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग डील करने का बड़ा स्पेसिफिक तरीका होता है ना, एक ही तरीके से हम लोग डील करते हैं। ये हमेशा दो पार्ट में ब्रेक हो जाया करता है, I1 I2 में। और I1 नॉर्मली fx की पावर n और f'x के फॉर्म में आता है, और बाकी आपका परफेक्ट स्क्वायर बना के सेकेंड वाला I2 पार्ट हो जाता है। खैर, ये देखिए जैसे जैसे करेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी, x इंटू x एक्स स्क्वायर 5x एंड -4x, तो -9x हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा। नाउ जो ये लीनियर पार्ट है, लीनियर पार्ट से दैट इज a टाइम्स d बाई dx ऑफ क्वाड्रेटिक एंड प्लस b, हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स 6x प्लस 7 दैट इज a टाइम्स d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर -9x और प्लस 20 और प्लस b, कितना आ जाएगा आपका ये, दैट कुड बी रिटेन एज ए 2x माइनस 9, और b इज कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस b आ जाएगा। तो 6x प्लस 7 को हम ये एक्सप्रेशन लिख के रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अभी हमें इस वाले एक्सप्रेशन में a और b निकालना पड़ेगा। तो a कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में चूंकि आइडेंटिटी है तो दोनों साइड में हम कोफिशियंट कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे आपका x का कोफिशियंट 6 है और इस साइड में x का कोफिशियंट 2x है, सॉरी 2a है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म इस साइड में 7 है और इस साइड में आप कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, माइनस का 9a एंड प्लस का b हो गया। a की वैल्यू हमें पहले ही पता पड़ चुकी है तो यहाँ रख दिया जाए, तो दैट इज़ -9 इंटू 3 प्लस का b, ये 7 हो गया। अब इधर आके यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो a की वैल्यू थी, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी b इक्वल्स टू 27 प्लस 7, तो ये 34 हो गया। तो a और b हमें हमने निकाल लिया है, हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब इस जो लीनियर फैक्टर है 6x प्लस 7, इसको हम a टाइम्स दिस वन और प्लस b लिख देंगे, और लास्ट में हम a और b की वैल्यू प्लेस कर देंगे, अभी हम नहीं प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस इंटीग्रल को देखिए क्या लिख लेंगे हम लोग, दिस इंटीग्रल रिटेन एज ए इंटीग्रल ऑफ a टाइम्स 2x माइनस 9 जो क्वाड्रेटिक का क्या है आपका डेरिवेटिव है, और प्लस b ओवर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20। अब इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, एक यहाँ से और यहाँ से I1 I2, और ये आपका जब ब्रेक होगा से इंटीग्रल ऑफ a टाइम्स 2x माइनस 9 ओवर दिस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ b अपॉन, इंटीग्रल ऑफ b अपॉन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज क्वाड्रेटिक, सेम क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस का 20 हो गया dx। अब ये कांस्टेंट a और b तो कांस्टेंट है तो इनको हम बाहर कर लेंगे, तो b आपका बाहर हो गया, a भी आपका बाहर हो गया। अब इसे इंटीग्रल i कह रहे हैं, है ना, I1 कह दे रहे हैं, तो a टाइम्स I1 n प्लस b टाइम्स I2 इक्वल्स, ठीक है, b टाइम्स I2 से इक्वेशन नंबर 2, वेयर जो I1 हो गया, वेयर I1 इज इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 9 ओवर दिस क्वाड्रेटिक, और ये काफ़ी आसानी से ये वाला इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। आपके पास दो क्वेश्चन एक्चुअली बन चुके हैं, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है ना। आंसर तो आएगा ही, आप आराम से करते जाइए, प्रोसेस कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन दैट टेक्स सम एक्स्ट्रा टाइम। तो ये हो जाएगा आपके पास
देखिए इसका क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, मतलब ये मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से कैसे प्रोसीड करते हैं। आई वन जो आपका है इंटीग्रल ऑफ टू एक्स माइनस नाइन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स और प्लस 20 डी एक्स है। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे जो क्वाड्रेटिक पार्ट है 9x प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू से टी हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 2x, x स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन होगा और 9x का 9 हो जाएगा, 20 का 0 हो जाएगा, dx इक्वल्स टू टी का 1 हो जाएगा इंटू dt, मतलब dt सिंपल लिख देंगे। तो ये वाला जो पार्ट आपका है दिस इज रिटेन एज ए dt, तो i1 बिकम इन टर्म ऑफ आपका जो डमी वेरिएबल है टी डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा, तो इट कुड बी रिटेन एज ए टी की पावर माइनस वन बाई टू, नीचे वन बाई टू लिखेंगे ऊपर ले जाके हमने एक स्टेप। अब इसका इंटीग्रल एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से लग जाएगा, तो टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन ओवर माइनस हाफ प्लस वन। अब माइनस हाफ प्लस वन कितना आएगा आपका, हाफ आ जाएगा प्लस का, और यहाँ भी प्लस का हाफ आ जाएगा, लेकिन ये वन बाई टू टू रिवर्स होके यहाँ आ जाएगा आपके पास रेसिप्रोकेट होके, तो टू टी की पावर हाफ आ गया, मतलब आप इसको इन टर्म ऑफ अ प्लस एक इंडेफिनिट कांस्टेंट सी हो गया, लेकिन डमी वेरिएबल टर्म में हमें आंसर छोड़ना नहीं है, तो हम इसे क्या लिख देंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ टी को हम लिख देंगे, जो भी एज्यूम किया था टी की जगह पर रख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 20 और प्लस का इंडेफिनिट कांस्टेंट से सी वन है ना, तो ये आई वन का हो गया। अब हमें इसी तरह से आई टू को करना होगा, आई टू आपका क्या है उसे परफेक्ट स्क्वायर बना के हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग आई टू को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आई टू आप सामने देख रहे हैं वन बाई रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, ठीक है, तो वन बाई रूट क्वाड्रेटिक को कैसे डील करते थे हम लोग, जो क्वाड्रेटिक होता था उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे आप, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म से मैच कर जाता है, फिर फॉर्मूला प्लेस कर देते हैं। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे हम लोग, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे, जैसा आप डिस्प्ले हो रहा है देख रहे होंगे, ए क्या है यहाँ पे 1 है, बी आपका माइनस 9 आ गया, सी क्या हो गया आपका 20 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया आपका माइनस 9 का होल स्क्वायर और माइनस 4a1 हो गया और c हो गया आपका 20, तो ये 80 आ गया, ये 81 आ गया, तो डिफरेंस 1 का। तो अब यहाँ पे अब क्या होता था a टाइम्स मतलब 1 टाइम्स x प्लस b बाई 2a, b कितना है आपका माइनस 9 है, तो माइनस 9 बाई 2 और a आपका 1 है, ये माइनस 9 यहाँ माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस जाएगा और 9 बाई 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो फाइनली हम इसे 9 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दें माइनस d बाई 4 ए स्क्वायर, डी आपका 1 हो गया 4 ए स्क्वायर, ए चूंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, अब 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। अब देखिए इस बाहर वाले ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं क्योंकि 1 बाहर पड़ा हुआ है, और आखिरी काम ये 1 बाई 4 को हम 1 बाई 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब ये स्टेप्स आप एग्ज़ाम में दिखा सकते हो, है ना, मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना आपको अलग से रफ करने की ज़रूरत है। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रल योर इंटीग्रल बिकम इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन जो ये आपका क्वाड्रेटिक लिखा हो उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 9 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर dx। अब यहाँ सब्सटीट्यूशन कर दीजिए, तो लेट x माइनस 9 बाई 2 इक्वल्स टू से समथिंग u हो गया, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका du हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन वेरिएबल u में ट्रांसलेट हो जाएगा, इट बिकम 1 बाई अंडर रूट u स्क्वायर एंड माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर du हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है किससे मैच कर गया 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग ऑफ मॉड
एक्स एक्स पे यहाँ यू होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक कितना हो जाएगा आपका यू स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस एक इंडेफिनिट कांस्टेंट सी टू हो गया। लेकिन यू हमारा डमी वेरिएबल है तो हमें डमी वेरिएबल के टर्म में तो आंसर देना नहीं है, ओरिजिनल वेरिएबल के टर्म में आंसर देना है। तो यू क्या था आपका एक्स माइनस नाइन बाई टू, तो एक्स माइनस नाइन बाई टू प्लस। अच्छा यहाँ पे आप ज़्यादा अफोर्ट मत करिए है ना, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक सॉल्व होके आएगी वो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक आएगी। ओरिजिनल क्वाड्रेटिक आपकी क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी। तो ये हम क्यों u की वैल्यू रखें फिर सॉल्व करें फिर दिमाग और टाइम दोनों खर्च करें, कोई ज़रूरत नहीं है। नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी ठीक है, तो दैट इज़ योर आई टू। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा फाइनल था a टाइम्स आई वन प्लस बी टाइम्स आई टू दैट इज़ योर आंसर। तो a की वैल्यू आपकी आ चुकी है, b की आ चुकी है वैल्यू, I1 आ चुका है, I2 आ चुका है, इन चारों की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं और फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। तो ये आपका इंटीग्रल था जहाँ पे a की वैल्यू आपकी 3 आ गई थी और जो I1 की वैल्यू थी इट बिकम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक जो भी आपके पास थी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 20 और प्लस C1 था और b की वैल्यू 34 आई थी 34 और I2 की वैल्यू आपकी log ऑफ मॉड x माइनस नाइन बाई टू प्लस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी और प्लस आपका क्या था C2 था। तो दैट इज़ अब इस थोड़ा सा री मैनेज कर लें हम लोग, थ्री टू जा क्या हो जाएगा आपका सिक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी और प्लस थ्री सी वन, लास्ट में लिखेंगे इस चीज़ को 34 log of mod x minus 9 by 2 plus square root of आपका आ जाएगा x square minus 9x plus 20 और 34 c2 और उधर से 3 c1 था तो 3 c1 plus 34 c2 और ये जो है आपका एक constant प्रोड्यूस करेगा जो फाइनली किसी एक पर्टिकुलर एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर देंगे, मान लेंगे कि वो एक सिंगल कांस्टेंट सी है तो दैट इज़ द योर इनडेफिनिट कांस्टेंट से दैट इज़ सी, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।